और अब लगता है कि राहुल गांधी भी राजनीति के दाव पेंच पूरी तरह से सीख गए हैं। आज उन्होंने एक नया दाव खेला है, वो पहुंच गए लखनऊ और लखनऊ में उन्होंने जो आरटीआई के तहत एक अर्जी दी है कि रूरल हेल्थ मिशन यानी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में केंद्र से मिली जो राशि मिलती है उसका क्या होता है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में सैकड़ों करोड़ का घोटाला आज राहुल गांधी को एनआरएचएम के दफ्तर तक खींच लाया। हर साल केंद्र इस मद में 1800 करोड़ रुपए यूपी को देता है। इल्ज़ाम है कि इसका ज़्यादातर हिस्सा लोग खा जाते हैं। एनआरएचएम के बारे में हमने आरटीआई क्योंकि थोड़ा पैसे का जो इस्तेमाल हो रहा है ठीक से नहीं हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ आए थे रीटा जी और मैं, आरटीआई फाइल कर दिया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यूपी में खूनी मिशन साबित हुआ है। इसके फंड के लेन देन में अब तक इससे जुड़े एक डायरेक्टर जनरल बच्ची लाल, एक जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर आर एस शर्मा, 3 CMOs डॉक्टर शिम्पा, डॉक्टर विनोद आर्या और डॉक्टर बीपी सिंह को गोलियों से उड़ाया जा चुका है। NDTV's क्रिकेट ऐप, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. NDTV.com/apps